नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर है बाराबंकी की। लखनऊ के शातिर बदमाश व 1 लाख के 42 वर्षीय इनामी टिंकू कपाला को UPSTF व 27 पुलिस कर्मियों ने एक मुठभेड़ में शुक्रवार की देर रात थाना सतरिक बाराबंकी मार्ग पर मार गिराया है। आरोपी के खिलाफ करीब 27 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि एसटीएफ के मुताबिक जिले के सतरिक थाना क्षेत्र में बाराबंकी मार्ग पर शुक्रवार की देर रात मोटरसाइकिल सवार शातिर बदमाश कमल किशोर उर्फ टिंकू कपाला निवासी निवासगंज थाना चौक जनपद लखनऊ व उसके एक साथी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश टिंकू को गोली लगी। उसे पुलिस कर्मियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। बताया कि मुठभेड़ के समय अधिकारियों सहित जिले का सारा पुलिस अमला मौके पर मौजूद रहा। मुठभेड़ के बीच इसके साथ एक और बदमाश था जो भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में है। उक्त अपराधी ने बताया कि 2019 में लखनऊ कृष्णा नगर में एक ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। काफी जेवरात का नुकसान किया था। थाना सतरिक क्षेत्रांतर्गत एसटीएफ टीम के साथ हुई मुठभेड़ के संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने क्या कहा, सुनिए। एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश किसी ये बाराबंकी क्षेत्र में है। इस सूचना को विकसित करते हुए एसटीएफ टीम इनके पीछे बदमाशों के पीछे लगी हुई थी। लगभग 11:15 बजे एसटीएफ टीम प्रभारी ने मुझे सूचित किया कि सतरिक रोड पर एक एनकाउंटर हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। तत्काल स्थानीय अधिकारी पहुंचे। मैं स्वयं वहां मौके पर पहुंचा। घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया, जहां ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है डॉक्टर ने। इसके संबंध में एसटीएफ को जो जानकारी है, उसके हिसाब से ये टिंकू कपाला एलियास कमल किशोर है, जिसकी उम्र लगभग 42 साल और ये चौक का रहने वाला है। इसके खिलाफ लगभग 27 मुकदमे पंजीकृत हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी। अधिकांश मुकदमे लूट से संबंधित हैं, लूट के साथ हत्या के मुकदमे हैं। इसकी अभी हाल की एक लोमहर्षक घटना 2019 में आरके ज्वेलर्स कृष्णानगर की दुकान पर हुई थी पिछले साल, जिसमें 2 लोग मारे गए थे और बड़ी संपत्ति की लूट हुई थी। उसका ये मुख्य अभियुक्त था। इसके आपराधिक इतिहास और स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। आज एसटीएफ के साथ हुए एनकाउंटर में ये मारा गया। मौके पर जैसा एसटीएफ टीम ने बताया कि ये मोटरसाइकिल पर सवार था, इसके साथ एक आदमी और था, जिसकी तलाश के लिए 5 थानों की फोर्स और अन्य पुलिस बल इस समय मौके पर कॉम्बिंग कर रहा है और हमें विश्वास है कि हम उसको गिरफ्तार कर सकेंगे। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।